हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्वैप टू नंबर्स इन पाइथन। अगर आप स्कूल कॉलेज में हैं देन आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। हमें टास्क दिए जाते हैं कॉलेज में भी कि आपने ये प्रोग्राम राइट करके लेके आना है पाइथन में। तो कैसे हम कर देते हैं, तो जहाँ से हम कोई वेरिएबल ले रहे हैं वेयर वन नाम का, कोई भी ले लो, एबीसी ले लो, कुछ भी ले लो। उसके बाद आपने लिखना है इनपुट, मतलब दो नंबर हमने एंटर करवाने हैं यूजर से। उसको बोलेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, और सेम हम इसको कर देते हैं कॉपी पेस्ट। उसको हम बोलेंगे कि एंटर सेकंड नंबर, इसको वेरिएबल टू कर दो, कुछ भी लिख दो। यहाँ पर लिख दो सेकंड नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं एंटर सेकंड नंबर। दो नंबर हमारे पास आ गए। स्वैप करना होता है एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ इंटरचेंज करना, ठीक है। तो मैं जहाँ पे एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले रही हूँ, टेम्परेरी वेरिएबल के साथ भी आप स्वैप कर सकते हैं, नहीं तो विदाउट टेम्प के भी, वो भी बताऊंगी। यहाँ पे लिखो वेयर वन, मतलब पहला वेरिएबल, उसको हमने डाल दिया टेम्प वेरिएबल में। और अब वेरिएबल जो पहला है वो बिल्कुल खाली हो गया, उसके अंदर हम डाल देंगे वेरिएबल टू की वैल्यू। बहुत ही आसान है, इसकी वैल्यू जो थी उसको मैंने टेम्परेरी वेरिएबल में डाल दिया। अब वेरिएबल वन बिल्कुल खाली हो चुका है, उसके अंदर मैं डाल दूंगी वेरिएबल टू की वैल्यू। तो वेरिएबल टू में जाएगा, अब वेरिएबल टू खाली हो गया, उसके अंदर हम वेरिएबल वन की वैल्यू डाल देंगे। तो ये है हमारी स्वैपिंग, बहुत ही आसान है इसको समझना। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रिंट, यहाँ पे रिजल्ट कुछ लिख दो, रिजल्ट प्रिंट करा दो, ठीक है। कोई भी आप यहाँ पे मैसेज लिख सकते हैं, मैंने रिजल्ट लिख दिया। तो रिजल्ट में हम प्रिंट करा देते हैं वेयर वन, ठीक है। पहले वेयर वन को हम कर देते हैं प्रिंट, इसको प्ले कर देते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर 3, एंटर सेकेंड नंबर 5, तो रिजल्ट इज 5। अब मैं यहाँ से कर देती हूँ प्रिंट दूसरा, प्रिंट यहाँ पे रिजल्ट 2 लिख देते हैं। सेकेंड रिजल्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल वेरिएबल 2 को प्रिंट करा दो, ठीक है। ये वाला वेरिएबल इसको प्रिंट कराओ। अब हम देखते हैं यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने पहला वेरिएबल 1 एंटर किया, दूसरा वेरिएबल 2 एंटर किया, तो हमारे पास यहाँ पर आ गई वैल्यू 2 2। लेकिन हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए थी 2 1। तो यहाँ पर मेरे पास चेक कर लेते हैं किधर प्रॉब्लम है। टेम्प में वेरिएबल 1 की चले गई, यहाँ पर 2 वेरिएबल 1 में, यहाँ पर वेरिएबल, यहाँ पे टेम्प आएगा तभी हमारा यहाँ पे रिजल्ट गलत आया, ठीक है। टेम्प की वैल्यू, टेम्प में क्या था, वेरिएबल 1 की वैल्यू, तो मैंने डायरेक्ट वेरिएबल 1 को वेरिएबल 2 में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे टेम्प के अंदर थी वेरिएबल 1 की वैल्यू। तो अब हम करते हैं यहाँ से इसको प्ले, एंटर मैं कर रही हूँ 1, पहला नंबर 1 है, ठीक है। दूसरा नंबर है मेरे पास 2, हमारे पास 1 2 रिजल्ट आना चाहिए था, मेरे पास रिजल्ट आया 2 1, मतलब स्वैपिंग हो गई, पहले वेरिएबल को इंटरचेंज कर दिया दूसरे वेरिएबल के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपने टेम्प वेरिएबल नहीं लगाना तो आप कैसे कर सकते हैं, जहां पे इसको हटा दो, सिंपल लिखो वेयर वन वेयर टू, उसके बाद इज इक्वल टू वेयर टू कॉमा वेयर वन, ठीक है। जे वाला हमने फॉर्मूला लगा दिया, बस यहां से इसको प्रिंट कर दो, प्ले करो। एंटर फर्स्ट नंबर 1, यहाँ से इधर करेंगे 1, एंटर सेकेंड नंबर 2, मेरे पास 2 1 इंटरचेंज होगी वैल्यू। 1 2 रिजल्ट आना था लेकिन मेरे पास आया 2 1। इसको बोलते हैं विदाउट टेम्परेरी वेरिएबल स्वैपिंग करना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।